Hello guys and welcome back to the Peaceful. This is me Priya Singh and today's video is all about keratin treatment. So I have never done keratin treatment on my hairs. So in this video I will show you kaise aap ghar baithe bahut hi easily just under Rs 400 mein kaise keratin treatment kar sakte hain by saving 2 to 3000 in parlor. So without wasting much of your time, let's get into the video. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ स्मूथनिंग एंड स्ट्रेटनिंग जहाँ पे आपके हेयर्स 75 to 80% तक स्ट्रेट हो जाते हैं, बट जो नेचुरल वेव और नेचुरल कर्ल्स रहता है वो आपके हेयर्स में रहता ही है. एंड प्लस आपके जो हेयर टेक्स्चर होते हैं स्पेशली एट द एंड्स, उसके अंदर जो फ्रिजीनेस आ जाती है वो बिल्कुल से कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है. एंड एक आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा शाइन आने लगती है. So, our first step is cleansing our hairs. मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लिया है विद सल्फेट फ्री शैम्पू एंड मैंने यहाँ पे कोई भी कंडीशनर यूज नहीं किया है. एंड आफ्टर दैट मैं अपने हेयर्स को कम्प्लीटली ड्राई आउट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एयर. यू कैन ऑल्सो यूज ड्रायर, बट मैं अवॉइड करती हूँ ड्रायर यूज करने के लिए. एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस वुडन कोम विच इज़ फ्रॉम हेल्दी आइडियाज ब्रांड, मैं अपने हेयर्स को अच्छे से डिटैंगल कर लूँगी. बिकॉज केराटिन क्रीम आपके हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई हो, सो दैट्स वाई आपको अपने हेयर्स को अच्छे से डिटैंगल करना है. एंड दिस कोम इज़ रियली नाइस, ये मेरे हेयरफॉल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है. यू कैन सी मेरे हेयर्स अच्छे से डिटैंगल हो गए हैं. एंड उसके बाद हम अपने हेयर्स को सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे सो दैट कि जो भी हमारी केराटिन क्रीम है वो हमारी हर एक एक लेयर पे अच्छे से इवनली स्प्रेड हो सके. सो यू कैन सी मैं यहाँ पे टू सेक्शन में डिवाइड कर ले रही हूँ. अपने ऊपर के हेयर्स को मैंने एक रबर बैंड की हेल्प से क्लच कर लिया है एंड नीचे के हेयर्स को अच्छे से कोम करके वहाँ पे स्प्रेड करूँगी. सो आर सेकेंड स्टेप इज अप्लाइंग केराटिन क्रीम. मैं यहाँ पे त्रिचुप ब्रांड का केराटिन क्रीम यूज़ कर रही हूँ विच कॉस्ट यू अराउंड 399 rupees फॉर 200 ml एंड इस पर डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आपको ये 350 rupees में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा. सो मैं इसका प्रोसेस बताती हूँ आपको इस क्रीम को कैसे अप्लाई करना है. आपको स्टार्ट करना है अपने रूट से अप्लाई करना है इस क्रीम को टिल दी एंड ऑफ योर हेयर्स. आप फिंगर्स से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्रश से भी. मैं फिंगर्स से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज फिंगर्स से हर एक लेयर में ये क्रीम अच्छे से स्प्रेड हो सकेगी. इस स्टेप को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें आपके रूट टू एंड हम इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई करते हैं. एक्चुअली ये क्रीम करता क्या है, ये आपके हेयर्स के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे आपके जो हेयर्स हैं अगर कर्ली हैं या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा कर्ल है, बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस है, उसे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बना देता है. जस्ट लाइक आई एम शोइंग इन दिस वीडियो, आपको इसी वे में इस क्रीम को अच्छे से अप्लाई करनी है. दिस केराटिन क्रीम हेल्प्स टू रिड्यूस योर फ्रिजीनेस. जितनी भी फ्रिजीनेस आपके हेयर्स में आ जाती है, स्पेशली कर्ली हेयर्स में बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस आ जाती है, तो वो उसे रिमूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आपके हेयर्स में वॉल्यूम लेके आएगा, आपके हेयर्स और ज़्यादा मैनेजेबल लगेंगे इसे अप्लाई करने के बाद. एंड विच ऑल्सो रिटेन्स मॉइस्चर एंड गेट रिड ऑफ स्प्लिट एंड्स. इन द सेम वे मैं अपने ऊपर वाले हेयर्स को भी अच्छे से इसको क्रीम अप्लाई कर लूँगी. आप सेक्शन बाय सेक्शन इसे अच्छे से अप्लाई कीजिए. एक एक लेयर में आपको इस क्रीम को स्प्रेड करना है. एंड रिमेंबर गाइस, आपको 20 मिनट्स तक अच्छे से इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है. 20 टू 25 मिनट से ज़्यादा देर तक इस क्रीम को अप्लाई मत करिएगा. यू कैन सी मैंने 20 मिनट्स में इस पूरे क्रीम को अपने हेयर्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया था. आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, मैं तो खुद अकेले कर रही थी तो इट टुक सो मच टाइम. गाइस यू कैन सी मैंने केराटिन क्रीम को अच्छे से अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लिया है. नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस वुडन कोम मैं अपने हेयर्स को अच्छे से डिटैंगल कर लूँगी बिकॉज केराटिन क्रीम अप्लाई करते टाइम हमारे हेयर्स में जो डिटैंगल्स आ गए थे उसे रिमूव कर लेना है. एंड इस केराटिन क्रीम को आपको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है एंड अपने हेयर्स को अच्छे से ड्राई होने देना है. सो गाइज, आर थर्ड स्टेप इज स्ट्रेटनिंग आर हेयर्स. यू कैन सी
मैंने अपने हेयर्स को 2 आवर्स के लिए ड्राई आउट करने के लिए छोड़ दिया था, तो मेरे हेयर्स काफ़ी हद तक ड्राई आउट हो चुके हैं। एंड इस बिटवीन आपको किसी भी पोल्यूशन या फिर धूप के कॉन्टैक्ट में नहीं होना है। एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करती हूँ। आपको रूट से लेके टिप तक अच्छे से अपने हेयर्स को स्ट्रेटन अप करना है, जस्ट लाइक आई एम शोइंग इन दिस वीडियो। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो उस स्ट्रेटनिंग करने के लिए। एंड गाइज रिमेंबर वन थिंग, आपको इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्ट्रेटनिंग पूरे केराटिन ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। सो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पतले पतले लेयर ले के उसे स्ट्रेटन अप करना है। बेसिकली हीटन से जो केराटिन मास्क हमने अप्लाई किया था वो अच्छे से हमारे हेयर्स में पेनिट्रेट हो जाता है और आपका एक एक हेयर का स्ट्रैंड वो लॉक हो जाता है अंदर, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, उसी वे में स्ट्रेटन अप करना है अपने हेयर्स को। आप 1 से 2 बार उसी हेयर्स पे स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। यू नो वी आर नॉट प्रोफेशनल एज लाइक पार्लर, बट आप जितना हद तक स्ट्रेटन अप कर सकें किसी की हेल्प से उसे अच्छे से कर लीजिए। यू कैन सी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी हीटिंग टूल नहीं यूज़ किया एक्सेप्ट दिस स्ट्रेटनर। आप ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने उसको अवॉइड किया क्योंकि पार्लर में ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक स्टेप के बाद ड्रायर यूज़ करते हैं, बट मैंने उस ड्रायर यूज़ करने के स्टेप को स्किप किया। आई मीन बस सिर्फ ये स्ट्रेटनिंग वाला टूल ही यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैं अच्छे से कोम कर लूँगी एंड आपको 3 आवर्स के लिए अपने हेयर्स को छोड़ देना है ऐसे ही। एंड नाउ आफ्टर 3 आवर्स यू कैन सी मेरे हेयर्स का टेक्सचर कितना ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। मैंने क्लोज कैमरे से आपको दिखा रही हूँ, मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा स्ट्रेट लग रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव स्ट्रेट हेयर्स बट इतने ज़्यादा स्ट्रेट हेयर्स मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है। सो मीट यू आफ्टर 3 आवर्स। जस्ट आफ्टर 3 आवर्स मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर। सबसे पहले आप अपने हेयर्स से मास्क को रिमूव कीजिए, देन शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कीजिए। मैंने यहाँ पे सेम ब्रांड का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया है, दैट इज़ फ्रॉम त्रिचुप ब्रांड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मेरे हेयर से जितना भी डैमेज था वो अच्छे से रिपेयर हो गया है एंड मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा शाइन आ गया है, यू कैन सी। After completely drying out my hairs, now you can see the real results, how manageable, how voluminized and how smooth, silky and straightened my hairs look like never before. Mere hairs mein ek shine aa gayi, ek healthierness aa gayi hai, that is just amazing. आपको 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है आफ्टर डूइंग केराटिन ट्रीटमेंट। फर्स्टली आपको अपने हेयर्स को 1 वीक तक बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। सेकेंडली आप सल्फेट फ्री शैम्पू ऑयल एंड कंडीशनर यूज़ कीजिए। मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया है शैम्पू एंड कंडीशनर विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। एंड आपको केराटिन ट्रीटमेंट कब कब करना है, आप केराटिन ट्रीटमेंट मंथली भी कर सकते हो। लाइक आपको जब भी फील हो आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डल ड्राई हो गए हैं, सो यू कैन डू दिस केराटिन ट्रीटमेंट। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय।